समय पर मीन करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक आ सके। अच्छा व्यूवर, जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक दो दिन बाद मेरा कोई ना कोई क्वालिटी वाले बैक लिंक पर वीडियो आता रहता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम अगेन दो क्वालिटी वाले बैक लिंक पर बात करने वाले हैं, जिनमें से एक तो बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी का है और दूसरा जो है वो थोड़ा लो डीएफपी का, ठीक है। कैसे आप देखें, यहाँ पर एक हमारा जो बैक लिंक है उसका नाम है discogs.com, जिसका डीए है 92, पीए है 67 और रेफ़िक सारा कुछ आपके सामने है। मेन चीज जो मैं आपको बताता रहता हूँ वो होता है ये स्पैम्स को, ठीक है, मतलब इसका 1% है ना होने के बराबर है, ठीक है। एक बात मैं आपको हर वीडियो में क्लियर करता हूँ, आपका बैक लिंक जितना भी क्वालिटी वाला हो, अगर आपका उसमें स्पैम स्कोर 10 से ऊपर आ जाता है तो वो आपकी बिजनेस की इम्प्रूवमेंट नहीं, वो आपके बिजनेस की डी रैंकिंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी कोई भी बैक लिंक यूज करने से पहले उसका जो है डीएपीए और स्पैम स्कोर चेक कर लेना होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर बात की जाए इसकी डीआर की, मतलब डोमेन रेटिंग की, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 90 इसकी डोमेन रेटिंग है। बैक लिंकिंग की बात की जाए 60 मिलियन है। अगर इसमें लिंकिंग वेबसाइट की बात की जाए तो 92,000, मतलब 1,00,000 के करीब तकरीबन ये है। और ये डू फॉलो है, मतलब ये देखें 84% डू फॉलो है, नो फॉलो नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा बैक लिंक जो है वो है ये discogs.com, ठीक है। और दूसरा जो है वो मैंने बताया थोड़ा लो क्वालिटी का है, लो डीएपी का, ठीक है। आप देखें ये सबसे पहले इसका डीए जो है वो है 31, पीए जो है वो है 84, ट्रैफिक मेन चीज जहां पर अगेन आप चेक कर सकते हैं स्पैम स्कोर 1% मतलब ना होने के बराबर, ठीक है। अगर इसके डीआर की बात की जाए तो ये 45 है, ट्रैफिक 1 मिलियन से ऊपर है और लिंकिंग वेबसाइट तकरीबन 11,000 प्लस है, ठीक है। एनीवे यहां पर अब मेन पॉइंट होता है कि इनमें आपको आपका बिजनेस कैसे लिस्ट करना है। अब बैक लिंक तुम्हारे पास है, आप इनमें बिजनेस लिस्ट ही नहीं कर सकते हैं तो इनमें बैक लिंक मतलब इसको बोलने का क्या फायदा, ठीक है। तो अपना बिजनेस इसमें कैसे लिंक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप चले आएंगे, ये जो बैक लिंक होगा आपने इसको कर लेना है न्यू टैब में ओपन, ठीक है, ठीक हो गया। आप सिंपली मैं इसको कर लेता ओपन, जो पहले क्वालिटी वाला है हम इसमें अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है उसमें अपना बिजनेस लिस्ट करेंगे, ठीक है। इस पे बिजनेस लिस्ट करने के लिए जो है आपको मेन चीजें चाहिए होती है, बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, हावर्स, मेन चीज कीवर्ड, उसके बाद ये बिलिंग, ठीक है। तो मैं वो डिटेल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये चीज याद है। उसके बाद अब दूसरी साइड पे हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है जीमेल का पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है। मतलब जब हम रजिस्टर करते हैं तो जाहिर सी बात है गूगल अकाउंट से ही करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको कर लेना है रजिस्टर इसमें बिजनेस लिस्ट करने के लिए, ठीक है। ये कुकीज है, इनको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। अब देखें रजिस्टर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर जो आ गया है उन पर स्टार भी लगा होता है, पहला है यूजर नेम, दूसरा ईमेल एड्रेस और तीसरा है पासवर्ड, ठीक है। तो अभी ये देखे इधर रिलोड कर रहा है, जैसे रिलोड खत्म होगा तब हमें ऐड करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है यूजर नेम। अब यूजर नेम आपके बिजनेस नेम के रिलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल के मेरा है वेला पेंटिंग सर्विस, तो मैं इनमें से सर्विस को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसका जो एस है ये छोटा कर लूंगा। अब सर्विस यहाँ पर 99 कर दें या फिर एक और एक्स्ट्रा 9 लगा दें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है आपका जीमेल और पासवर्ड, तो मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा कोई मैंने यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद इसको आप कर लेंगे कंटिन्यू, मतलब है इसमें अभी हम रजिस्टर होके साइन इन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो इनको नेवर कर लें। ये बोल रहा है ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग, ये वेबसाइट ने आपको एक ईमेल भेजा है, आप वो ईमेल चेक करें, ठीक है। मतलब है एक एक्टिवेशन का लिंक हमारे पास आया होगा, तो आपने सिंपली जीमेल लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। अब देखें ये है वेरिफिकेशन लिंक हमारे पास, ठीक है, आपने सिंपली कर लेना है इसको क्लिक। अब पिछले वाले लिंक से जो है हमारा कोई काम नहीं है, आपका जो नेक्स्ट जितनी भी ऐड होने की चीजें होंगी वो इस लिंक में होगी, ठीक है। अब इन दोनों को आपने एक्सेप्ट करके इसको कर लेना है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, आपका जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपने यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में चले आना है और प्रोफाइल में आके अगेन प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक ऑप्शन है सेटिंग, आपने सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। इसमें बिजनेस ऐड करना जो है बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने अपलोड फोटो का लेना है, मतलब आपके बिजनेस का जो लोगो हो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लोगो, ये हो गया ऐड। उसके बाद आप यहाँ पर आपका है बिजनेस नेम, ठीक है। अब बिजनेस नेम के नीचे आप चेक कर लें, अगर आपको कोई और चीज दिखती है ऐड करने की तो ठीक है, अदरवाइज
इसी बायो बायो जो आपके पास समझ लें कि आप चैनल डिस्क्रिप्शन का ए टू जेड सारी डिटेल बिजनेस नेम के अलावा जो है आप उसी में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इधर आगे इसने लिखा हुआ है ऑप्शनल, मतलब कुछ भी इसमें डाले ना डाले कोई फर्क नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है, सारी डिटेल इसी में डाल के इसको करना है सेव सेटिंग, ठीक है। आपकी सेटिंग सेव हो गई है, उसके बाद आपने अगेन यहाँ पर क्लिक करके प्रोफाइल पे चले आना है, ठीक है। अब देखें आपका सारा डेटा जो है यहाँ पे आ गया, ये आपका बिजनेस नेम, ये एड्रेस है, और मेन चीज हमारी होती है वेबसाइट। मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट या जीएमबी लिंक, जिस वेबसाइट में भी क्लिकेबल आते हैं समझ लें कि वो आपकी वेबसाइट क्वालिटी वाली वेबसाइट है। फिर चाहे उसका डीएपीए लो हो या ज्यादा हो, ट्रैफिक लो या ज्यादा हो, वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। आपकी वेबसाइट या कोई भी लिंक है वो क्लिकेबल आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें ये आपका क्लिकेबल आ चुका है, आपका ये लाइव लिंक है। आपने सिंपली इसको कॉपी करके ये रख ले रहे हैं आपकी एक्सेल शीट में, ठीक है। अब देखें ये वेबसाइट यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल मैंने ये जितनी भी साइट इधर ओपन की हुई है, ये सारे के सारे जो रिपोर्ट है ये आगे लाइव लिंक रख के अपने क्लाइंट को दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने एक कर लिया, इसको मैं कर लूंगा सेव। उसके बाद दूसरी जो हमारी वेबसाइट थी वो थी ये वाली, ठीक है। तो आप इसमें कैसे अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं, आपने अगेन सिंपली इसको कर लेना ओपन। अब ओपन करने के बाद एक बात जाहिर है कि आपने उसको साइन अप, रजिस्टर, ऐड बिजनेस या क्रिएट अकाउंट, ये ऑप्शन करना होता है, ठीक है। देखिए इसका है क्रिएट अकाउंट, मतलब हमें इस पे अकाउंट क्रिएट करना होता है सबसे पहले। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना, उसके बाद ये मांग रहा है वेरिफिकेशन, ठीक है। इसको यहाँ पर कर लेंगे वेरीफाई, ठीक है। अब इसमें बिजनेस लिस्ट करना बिल्कुल सिंपल है। अब देखें यहाँ पर इसका यूजर नेम, यूजर नेम मैंने आपको बताया कि आप सर्विस के रिलेटेड कोई रख दें, ये है सर्विस क्या रखा था 999, ठीक है। उसके बाद एंटर पासवर्ड, पासवर्ड आप कोई भी रख देते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपने कौन सा पासवर्ड रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने कैप्चर को फिल कर लेना, इसमें जो रियल नेम लिखा हुआ है उसको आप छोड़ दें, वो ऑप्शनल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट इमेज विद हाउसेज, मतलब जहाँ पर जितने भी हाउस की इमेज है वो आपने सिलेक्ट कर लेना। अब देखें दो इमेज इसमें मिसिंग है, तो हो सकता है कि ये कैप्चर वेरीफाइड ना हो, ठीक है। अभी देखें अगेन आ गया, ये क्या बोल रहा है, अगेन हाउस की है, ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। उसके बाद क्रिएट योर अकाउंट कर लेंगे, उसके बाद इसको कर लेना है नेवर। अब यहाँ पर आपको आपका ऑल डेटा एक ही चीज में सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब सिर्फ एक ही फॉर्म है, ज्यादा आगे पीछे इसके होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखें क्रिएट योर फर्स्ट वीकी आर्टिकल, अब देखें सबसे पहले इसका भी वही सीन है जैसा उसमें क्या था कि ऊपर बिजनेस नेम डाल दें और नीचे जो है आपकी ए टू जेड सारी डिटेल, ठीक है। उसके बाद अब देखिए नीचे मेन चीज जो है यहाँ पर भी वही क्लिकेबल आ रहा है। उसके बाद आपने पब्लिश द आर्टिकल का लेना है और यहाँ पर आके प्रीव्यू, देखें ये क्लिकेबल आ रहा है, ये लिंक भी क्लिकेबल आ रहा है, मतलब जो दोनों की दोनों जो साइट है ये बिल्कुल परफेक्ट साइट है। अब इसके रिलेटेड काफी सारी साइट मेरी और भी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा है। अभी ये तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, कितना है 88.5, अगर मैं इसको ऊपर कर लूं, ऊपर मेरी सारी लॉग इन डिटेल लाइव लिंक है, तो वो मैं इस वक्त शोर नहीं करना चाहता, ठीक है। एनीवे इस तरीके से आपको आपका बिजनेस लिस्ट करना है। बाकी अगर किसी को इसका पेड कोर्स चाहिए हो या सर्विस चाहिए हो, मतलब अपना बिजनेस इसमें लिस्ट करवाना चाहते हैं, ऑल कंट्री के लिए ये सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक या लाजमी करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।